हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर ये 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको देखिए मैंने इस तरीके से पीसों में काट लिया है। आप अपनी मनपसंद का कोई भी साइज काट सकते हैं और पनीर की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और अब पनीर को इसमें डाल देंगे। और अब डाल देंगे इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और आधा चम्मच डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब सभी मसालों को हम पनीर में मिक्स कर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वरना टूट जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें मसालों को मिक्स करें तो बहुत ही हल्के हाथों से करें। और अब देखिए मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने गैस पर रख लिया है एक पैन और अब उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। और अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो एक एक करके हम सभी पीसों को इसमें डाल देंगे। और अब पनीर को हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और पहले जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए पनीर को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो बस पनीर को हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब गैस पर हमने फिर से वही पैन रख लिया है और अब हम फिर से इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें देसी घी। और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और अब तेल और घी अच्छे से गर्म हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो इसके लिए हमने 2 हरी इलायची ली हैं, 2 से 3 लौंग डाल देंगे, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे, 7 से 8 काली मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। मसाले भी अब अच्छे से भून गए। यहाँ पर ये हमने एक बड़े साइज की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है तो इसको भी अब हम पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से पनीर ज़रूर बनाकर देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अब देखिए प्याज का कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगा है तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। और अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और ये अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको जब तक भूनना है जब तक कि तेल साइड से अलग ना निकलने लगे। और अब देखिए टमाटर भी अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। चिली पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर की सब्जी में। आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। और अब सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को भूनेंगे। हमें मसालों को जब तक भूनना है जब तक कि इनमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। और अब देखिए मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसालों ने ऑयल भी साइड से सेपरेट करना शुरू कर दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे। और दही को भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम दही के साथ मसालों को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए दही के साथ ही मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो ये पूरे मसाले ने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मसाले भून गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और एक बार इसको भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसको भी अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। दो हरी मिर्च में हमने देखी चीरा लगा कर रखा है, इनको हम इसमें डाल देंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे और पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं पहले। और अब देखिए पानी में भी उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे अब लो और पनीर को अच्छे से हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब इस तरीके से पनीर बनाएंगे ना, तो इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए अब यह भी अच्छे से मिक्स हो गया है ग्रेवी में। तो चलिए अब इसको हम ढक देंगे और ढककर कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है, ये देखिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो हमने इसको रोस्ट कर लिया था तवे पर और इसको हाथों से क्रश कर कर हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और एक बार दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसको ढककर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं और अब सब्जी को पकते हुए 1 मिनट और हो गया है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिएगा कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हुई है, एकदम ढाबा स्टाइल सब्जी बनकर तैयार हुई है, ये देखिएगा। तो गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने से पहले हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको प्लेट में सर्व। अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर पहली बार आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।